नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आपका अब ख़त्म हो गया है। भारतीय ग्रामीण डाक सेवा विभाग के अंदर जो वैकेंसी आनी थी उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। करीब करीब 44,000 पोस्टों के लिए, कितनी 44,000 पोस्टों के लिए। तो हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी निकली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो हर एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको ये फुल जो नोटिफिकेशन है हमारी PDF है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, हमने वहाँ ऑलरेडी सेंड कर दिए, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूं कितनी पोस्टें हैं और कैटेगरी वाइज भी दे रखी है किस कैटेगरी के अंदर कितनी है, चाहे वो आप जनरल कैटेगरी हो, OBC हो, SC ST हो, EWS हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, उसकी इन्होंने पोस्टें दी है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टेट वाइज पोस्टें कितनी हैं। मैं बात करूँ सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर 1355 पोस्टें हैं, असम के अंदर 746 पोस्टें हैं। असम के अंदर इनके 3 से 4 तरह की पोस्टें हैं, जैसे असमी लैंग्वेज में हो गई, बंगाली में हो गई, बोडो में हो गई और इंग्लिश और हिंदी की हो गई, तो वो भी आप देख सकते हो। आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो और आप कौन से स्टेट में फॉर्म भरने वाले हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 241 है, गुजरात के अंदर 2034 पोस्टें हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर 1338 पोस्टें हैं और बिहार के अंदर 2558 पोस्टें हैं। इसी तरह आप पंजाब में देख सकते हो, महाराष्ट्र में देख सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देख सकते हो या राजस्थान देख सकते हो, आपका कोई सा भी स्टेट है सबकी इन्होंने पोस्टें दे रखी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर कितनी पोस्टें हैं, 2718 पोस्टें हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 4588 पोस्टें हैं। इसी तरह तमिलनाडु के अंदर मैं बात करूँ तो 3789 पोस्टें हैं। ये उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर 2470 पोस्टें हैं। पंजाब के अंदर आप 2 या 3 लैंग्वेज से अप्लाई कर सकते हो, पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी, इस तरह से इनमें पोस्टों का विवरण दिया हुआ है। टोटल पोस्ट की बात करें अपन सभी पोस्टों को मिला के तो 44,288 पोस्टें हैं, सॉरी 228 पोस्टें हैं, 44,228 पोस्टों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप कमेंट में ज़रूर बताना आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्म स्टार्ट होने की डेट क्या है। तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से लेके स्टार्ट हो रहा है और 5 अगस्त तक ये लास्ट डेट रखी गई है, मतलब 15 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट है, 5 अगस्त लास्ट है। आपको 20 से 21 दिन का ही टाइम मिलेगा। विंडो करेक्शन होने के लिए आपको फॉर्म में करेक्शन करना है, एडिट करना है, तो वो 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त 3 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हो। जो GDS की वैकेंसी आपकी आ गई है, आपको जो इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की और क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले मैं सैलरी की बात करूं, अगर आप BPM के अंदर अप्लाई करोगे तो 12,000 से लेके 29,380 रुपये होती है। अगर आप डाक सेवक में अप्लाई करते हो 10,000 से लेके 24,470 रुपये आपकी सैलरी होती है। एज लिमिट की बात कर लें, 18 साल से लेके 40 साल वाले कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आपकी एज होगी 40 से, तो अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिडक्शन मिल जाएगा। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, EWS को नहीं मिलने वाला क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के ही होते हैं। PWD है अगर तो 10 साल है, PWD प्लस OBC 13 साल हो, PWD भी प्लस SC ST है तो 15 साल को आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। मतलब आप 55 साल तक आपकी जीवन की आधी एज निकल गई, अगर 100 साल माना जाए तो भी आप नौकरी लग सकते हो, इतना मौका आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अब मेन बात करते हैं इसके अंदर कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में पहले डाउट था क्या इसमें कंप्यूटर कोर्स होगा या नहीं होगा। तो कंप्यूटर कोर्स वैसे कंपलसरी नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, आपको नॉलेज होना चाहिए साइकिलिंग का,
ठीक है, आपको मतलब वहाँ के लोकल एरिया का भी रहन सहन का नॉलेज हो, आपको कंप्यूटर वर्क आना चाहिए क्योंकि आजकल सारा कंप्यूटर का ज़माना है, सब काम कंप्यूटर पर हो रहा है। और साइकिलिंग का इसलिए बोला है क्योंकि आपको किसी एरिया में साइकिल या मोटरसाइकिल लेके जाओ, अगर डाक देने तो वो आपके नॉलेज उसको चलानी आनी चाहिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है आपकी, वो 10th पास क्वालिफिकेशन रखी गई है। क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास। इसके तो जो कैंडिडेट 10th पास है वो सारे इसके अंदर है फॉर्म में भर सकते हैं। 10th पास वाले कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म भरेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें तो इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो आपके 10th के नंबर है उनके बेस पे एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या लिखा है? द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ द सिस्टम जनरेटेड मेरिट। जो आपके आपके एप्लीकेशन आएंगे उनका क्या होगी, मेरिट बनेगी 10th के बेस पे, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होने वाला है। 10th स्टैंडर्ड पे ये मेरिट होने वाली है। अगर आपके ग्रेड वाइज नंबर है, अगर A1 है तो ग्रेड पॉइंट 10 है और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 है। A2 है तो 9 है, 9.5। B1, B2 और C1, C2, D तक आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो 9.5 रहेगा और जो ग्रेड पॉइंट है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जैसे CBSE वगैरह हो गए, वहाँ क्या होता है परसेंटेज नहीं होता, CGPA में सिस्टम होता है यार, कहीं स्टेट में ग्रेड का सिस्टम होता है, जैसे राजस्थान में क्या होता है परसेंटेज का सिस्टम है, तो वो भी इन्होंने बता रखा है कितने ग्रेड पे कितने पॉइंट मिलने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं आप कौन कौन अप्लाई कर रहे हो और आपके कितने नंबर हैं, कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो आपको इसकी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है स्टेट वाइज, उस पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि कौन से स्टेट की कितनी कट ऑफ रहती है। तो अगर आपको ऐसे नौकरी लगना है कि भाई हम कहीं भी नौकरी कर लेंगे तो आप कोई से भी स्टेट में अप्लाई करें, अगर आपको ऐसा है कि हमें हमारे घर के पास ही नौकरी करनी है तो आप अपने स्टेट में अप्लाई करें, और गर्ल्स लोग तो मेरा मानना है अपने स्टेट में ही अप्लाई करें। तो आज की लेटेस्ट अपडेट यही थी, नेक्स्ट वीडियो आपको मेरिट बेस पे मिलने वाला है, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।